तुलसी विधवा बाग में देखती कुमराए राम भरो से जो रहे वो पर्वत पर रहा है, इसका पूरा क्या है? तुलसी जो है वो बाग में, उसका बाग भी होता है, देखा है तुलसी का बाग? नहीं देखा? हम बताते हैं, बद्रीनाथ जो पहाड़ है, जहाँ बद्रीनाथ मंदिर है, वहां तुलसी के बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं। उस बाग में आदमी जाए तो डूब जाए, देखने में भी नहीं आता, पर्वत पर लहराता है। और आगे राम भरोसे जो रहे वो पर्वत पर है। देखो, और राम के भरोसे है, राम माने भगवान, उसको किसी के आधार की दरकार नहीं है, और तुलसी को तो जानते ही है। तुलसी के बगैर भगवान का भोग लगता नहीं है। और आत्महत्या नहीं कर लेता है, वो सोल उसमें प्रवेश हो करके उसका प्राणांत करा देती है, अपने जैसा उसको बना लेती है, सूक्ष्म शरीरधारी। वो आत्मा कैसी आत्मा, देहधारी वाली आत्मा है, वो आत्मा किस कैटेगरी की है? किस उसी कैटेगरी की, तब तो उसके प्रभाव में आ गई। अगर सूर्यवंशी असल हो तो आत्म की स्थिति में रहे और भूत प्रेत आत्मा का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ सकता, कैप्चर नहीं कर सकती। पाप आत्मा है, जो भी पाप आत्माएं होती हैं वो भूत प्रेत बनते हैं। दूसरों को प्रभाव में लेना अच्छी बात है या खराब बात है? खराब बात है। जबरन दूसरों के ऊपर कैप्चर करना, दूसरों के ऊपर प्रभाव में लेना दूसरों को, ये अच्छी बात नहीं है। जो ऐसा करते हैं उनको खुद भी दूसरों के प्रभाव में आना पड़ता है। कोई हमारी बात नहीं मानता, हम उसे तलवार का दर्द दिखाते हैं, बंदूक दिखाते हैं, हत्या कर देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उसको दबा लेते हैं। तो ये करना, ये सब अधर्मिक अधर्म की बातें हैं। विधर्मियों में ऐसा होता है। तो कितना प्रयास करता है, दूसरा आत्मा बार बार कंट्रोल करती हूँ, फिर वो ठीक होकर दोबारा कंट्रोल करती हूँ। बार बार कंट्रोल करती हूँ, करती है, फिर वो अपने स्थिति में आ जाता है, फिर बदल जाता है, खुद कंट्रोल करके ट्रिगर आ देती है। वो अपने मतलब माइंड में बैठ के अपने कंट्रोल करके चलाती हूँ। ठीक है, इसी ज्ञान में चलने पर जाती मेरी ऊपर ही है। मैं इसमें चलने के बावजूद मेरे को एक कोई आत्मा है जो बार बार कंट्रोल करती है। आप लड़ते रहिए, हम लड़ते रहते हैं। सूर्यवंशियों का काम है आदि से अंत तक युद्ध करना। राम वाली आत्मा के अंदर शिव प्रवेश करता है, क्या उसे पता चलता है? नहीं चलता। ऐसे ही राम वाली आत्मा के अंदर अगर ब्रह्मा की सोल बीज रूप स्टेज में प्रवेश करती है तो पता चलेगा? पता ही नहीं चलेगा। हाँ, जैसे गुलजार आदि में सूक्ष्म शरीर से ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है, वैसे ही अगर राम की आत्मा में भी प्रवेश कर सके तो पता चलेगा, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा, देखने वालों को पता चलेगा। महाभारत के अंदर शिशुपाल को तीन आंखों और चार हाथों वाला दिखाते हैं, और उसके बाद जब कृष्ण उसकी हत्या करता है तो उसकी उंगली कटती है, इसमें वेद का क्या अर्थ है? अभी तो बताया उस भाई ने कि राम के कितने भाई, चार भाई हैं। चार भाइयों में जो सबसे छोटा भाई वो खोटा होगा,
या अच्छा होगा, खोटा होता है, है? जैसे 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 सिपाहियों की आदत होती है, डकैतों की आदत होती है घड़ी घड़ी मुख से गालियां निकालेंगे, सिपाहियों की क्या आदत होती है बात बात पर मुंह से गालियां निकालेंगे, ऐसे ही कोई आत्मा है जिसका पार्ट है राम वाली आत्मा का चौथे नंबर का भाई बनना, और वो छोटे छोटे जो शिशु होते हैं ज्ञान में चलने वाले, गहराई में ज्ञान की नहीं उतरे हैं, अभी अभी जैसे भट्टी की अभी अभी छोटे छोटे शिशु बने हैं, उन छोटे छोटे शिशुओं को अपने प्रभाव में ले लेता है और उनकी पालना करता है, उनका संगठन बना लेता है, जैसे विष्णु पार्टियां वगैरह बनी हुई हैं, उन विष्णु पार्टियों में छोटे छोटे शिशु पल रहे हैं या समझदार लोग पल रहे हैं, हैं? छोटे छोटे शिशु हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है ज्ञान की बातें बड़े आदमियों से नहीं कर पाएगा, ऐसे ही वो विष्णु पार्टी में ढेर के ढेर ऐसे भरे पड़े हैं, बूढ़ी माताएं ज्यादा हैं, कम अकल वाले ज्यादा हैं, वो आपसे आकर डायरेक्ट ज्ञान की बातें नहीं करेंगे, किसी से कोई करता हो और वो आकर के हरा देता हो तो बताओ है कोई है, बात करने में ही घबराएंगे, जैसे छोटा बच्चा जैसे घबराता है, तो शास्त्रों में उसका नाम रख दिया है शिशुपाल, और वो शिशुपाल भी आखरीन है तो किसका भाई, राम का ही तो भाई है, कौन से कुल का है, उसी कुल का है, सूर्यवंशी कुल का ही है, हाँ चौथे नंबर में ऐसी एक्ट करता है कि यादवों के कुल का अनुसरण करने लग पड़ता है, इसलिए सूर्यवंशी होने के कारण वो प्रवृत्ति मार्ग का भी है, निवृत्ति मार्ग का नहीं है, प्रवृत्ति मार्ग का होते हुए भी वो विष्णु के रूप में उसके जन्म हैं, लेकिन कृष्ण का जैसे ही साक्षात्कार होता है वैसे ही वो भूजाए गायब हो जाती है, असली जब निकलेगा तो नकली रहेगा क्या, उड़ जाएगा, ये जो विष्णु पार्टी है जो इसका विष्णु है तो शास्त्रों में कहीं दिखाया है इसके बारे में क्या, जैसे विरोध में क्यों नहीं दिखाया, ढेर के ढेर भगवान निकल पड़ेंगे, जब सच्चा भगवान का संसार में पाठ चलेगा तो ढेर के ढेर भगवान संसार में चारों ओर भगवान ही भगवान दिखाई पड़ेंगे, अभी कम पड़ रहे हैं, आगे चल के और ज्यादा भ्रमित बुद्धि करेंगे, अभी थोड़ा महाकाली का डंका तो बजने दो, बिल्कुल सही बात है, शंकर के लिए होता है कि तीन आत्माओं का शंकरण है, शिव कृष्ण और राम की आत्मा शंकर है, तब जाके बाद शिव शंकर को मिलाते हैं, 76 में ही तो प्रवेशता के द्वारा भी शंकर बनता है, 76 में भी तीन आत्मा प्रवेश करती है तभी उसको शंकर कहा जाता है, दोनों में अंतर क्या है, शंकर 76 का शंकर एक है पुरुषार्थ का आरंभ, एक है पैदाइश और उसके बाद दूसरी होती है पढ़ाई, पैदाइश के बाद क्या होती है, पढ़ाई होती है, और पढ़ाई के बाद लड़ाई होती है, क्या परीक्षाएं के ऊपर परीक्षाएं होती हैं, फिर ऊंचा नंबर मिलता है, नहीं सात्विक स्टेज में ज्ञान होता है, ज्ञान की धारणा करने में टाइम लगेगा या हथेली पे हम जमाया जा सकता है, वो धारणा की बात है, हाँ जी याद की पराकाष्ठा है, धारणा की पराकाष्ठा है, सेवा की पराकाष्ठा है, चारों सब्जेक्ट्स की पराकाष्ठा है,
हाँ जी, पराकाष्ठा में ज्ञान पहुँचने का मतलब है जब चाहे तब एक सेकंड में 20 रूपी स्टेज, और जब चाहे तब एक सेकंड में विस्तार, उसको कहते हैं पराकाष्ठा। और है सती का सती की बहन दिखाया गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो काम देवता उसके पति के, हाँ तो वो शंकर के साथ डुबाई होगी। हाँ शंकर के साथ डुबाई होगी। शंकर के साथ क्या डुबाई होगी ना वो क्यों किया? अरे कोई किसी के काम में दखल डालेगा तो अच्छी अच्छी बात है या खराब बात है? ये तो खराब बात हो गई। अरे उनका मुख्य धंधा ही है, उस धंधे में कोई दखल डालेगा, साड़ू हो चाहे साड़ा हो। अब ये साड़ू साढ़ा बात है कहाँ की, संगम युग की या कोई दूसरे युग की है? संगम युग की बात है। संगम युग में तो बाप ने बता दिया यहाँ कोई साड़ा साड़ू नहीं है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, हम सब आपस में भाई बहन भाई भाई। ऐ साड़ा साड़ू कहाँ से आ गए, भस्म कर दो। तो भस्म कर दिया, फालतू की बातें चलाते। और जो माता के भगत हैं वो इकट्ठे होते हैं तो जय माता दी बोलते हैं, जो माता के भगत हैं वो मिलते हैं तो जय माता दी बोलते हैं, कृष्ण के भक्त जय श्री कृष्ण बोलते हैं, हम ओम विष्णु क्यों नहीं बोलते, हम शिव को मानने वाले, ओम शांति को बताओ। मना कौन करता है, ओम शांति तो ब्रह्मा कुमारियों का बोला हुआ है, है? तो ओम नमः शिवाय बोलो। इसमें बुराई क्या है, लेकिन समझ के बोलो तो ज्यादा अच्छा है। नमन साकार को किया जाएगा या बिंदी को किया जाएगा? तो पहले इतना पक्का समझ लो कि हम जिसको नमन करते हैं वो साकार है कौन। ऐसे नहीं कि आज नमन करें हराम ज्यादा। सोच समझ के नमन करना। और ये सामने वाला है, ये सामने वाला ये लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण में स्वयं वो बोल रहे श्री स्वयं वो बोल रहे। चलो थोड़ी देर बाद पूछ लेना। हमारे इंद्रियों में कोई इंद्रियां ऐसी नहीं है जो अति सूक्ष्म हो, जो इंद्रियां है मनुष्य के शरीर में 9 इंद्रियां 10 इंद्रियां है ना, उन 10 इंद्रियों में कोई अति सूक्ष्म है या नहीं है? तो अति सूक्ष्म होने के कारण वो अति सात्विक भी होती है, और जब अति सात्विक रूप में होती है तो उनमें सात्विक रूप का विकृति भी होती है। क्या वो विकृति भी खत्म हो जाए तो संगमयुगी नारायण है, और वो विकृति का आरंभ हो जाए तो संगमयुगी नारायण की स्टेज नहीं है। कौन सी स्टेज है? सतयुगी नारायण की स्टेज। ये विकार होता है, ये विकार धीरे धीरे स्थूल रूप पकड़ता जाता है। बाबा कहते हैं कि गिरावट जो आती है शत्रु में है मतलब धीरे धीरे मतलब आती है, पता नहीं चलता। हाँ जी हाँ जी।
हाँ, दृष्टि से शुरुआत होती है विकृति की, और वो बढ़ते 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 नौ इंद्रियों तक, दसों इंद्रियों तक फैल जाती है, अति में चली जाती है। और है एनएस की बहनों से बात कर सकते हैं? वो तो मर गए, उनसे क्यों बात करोगे? मरे हुए से बात करो, भूत बन जाओगे। मरे हुए से कोई बात करता है? जो दुनिया से मर गया उसका दुनिया से कनेक्शन कट हो गया। ये तो भक्ति मार्ग में है, भक्ति मार्ग में मरे हुओं को बुलाते रहते हैं, आओ हम तुम्हें ये खिलाएं वो खिलाएं, बातचीत करें तुमसे, तो भक्ति मार्ग में चलना है क्या? हैं? भक्ति मार्ग में चलना है? अरे वो चले गए, उन्हें जाने दो ऊंची स्टेज में। हो सकता है तो हम भी ऐसी ऊंची स्टेज में जाएं, छोड़ो दुनियादारी, आने दो वैराग। हाँ जी, हरी है, एक माता भट्टी कर रही है। उसके पति ज्ञान में नहीं है, ज्ञान में नहीं है। हाँ, उनके पति ज्ञान में नहीं चलते। हाँ, सुन लेने दो क्या बोला आपने। उनके पति ज्ञान में नहीं चलते, उनकी दो कन्याएं, वो कहते हैं कि हम दोनों कन्याओं को विजय विहार में देना चाहते हैं। माता कहती है? हाँ, हाँ, माता स्वतंत्र है, माता को भी उतना ही हक है कन्या के ऊपर जितना बाप को है। मतलब पति जो है ना विरोध करता है, वो आने नहीं देता इधर, तो आपस में पहले फैसला कर ले। वो ये कहता है एक भी कन्या को नहीं लेके जाएगी वहाँ। हाँ हाँ, तो आपस में फैसला करे ना। लक्ष्मीनारायण चित्र नीचे स्वयं महाराज कुमार और श्री राधे, श्री राधे महाराज कुमार, महाराज कुमारी श्री राधे, श्री राधे इसका अर्थ क्या है? अरे एक ही महाराजा है स्वयं। हाँ, स्वयंवर पूर्व महाराजा के कुमार हैं और कुमारी हैं। अरे संगम युग में महाराजा एक ही होगा, दो होंगे, तो उसके महाराजा के कुमार और कुमारी हैं। हाँ, स्वयंवर पूर्व का मतलब यह है कि जब आपस में मिलकर के उनको राजा ही मिल जाए, वो ही उनका कॉरोनेशन होता है। जब तक माँ बाप जीवित हैं तब तक वो चला रहे हैं, माँ बाप ने शरीर छोड़ दिया, बच्चों को मिल गया। ये स्वयंवर ये सब संगम युग में जो दिए हैं, स्वयंवर जो सुदीप के, तो स्वयंवर तो दो कुल होते हैं, इधर होते हैं जैसे कि लक्ष्मी दूसरी कुल की थी वो है अभी है। हाँ, और वो इस कुल में आ जाएगी। सतयुग के कॉरोनेशन में और संगम युग के कॉरोनेशन में अंतर है। वास्तव में सतयुग में कोई कॉरोनेशन नहीं होता, कोई उत्सव नहीं होता, संगम युग में होता है। तो संगम युग में जो कॉरोनेशन होगा वो संगम युगी राधा जो चंद्रवंश की है, ज्ञान चंद्रमा है ब्रह्मा, उसके परिवार में पलने वाली है, और सूर्यवंशी है कृष्ण, संगम युगी कृष्ण वो सूर्यवंशी है, ज्ञान सूर्य की वाणियों को फॉलो करने वाला है। ये दो कुलों का मेल होगा, उसमें राधा को आना पड़े कृष्ण के पास गार्डन में बार बार खेलने के लिए, फिर उनका स्नेह हो जाए, फिर दोनों को मिल करके एक हो जाए, फिर वो कॉरोनेशन मनाया जाए, जिसे कहते हैं स्वयंवर। स्वयं वरण किया, माँ बाप ने वरण नहीं किया, माँ बाप ने तो विरोध किया, घर वालों ने विरोध किया,
और स्वयं उसने क्या किया, पसंद कर लिया, आवरण कर लिया। सत्युग में ऐसा कुछ होता नहीं है, वहां तो सिर्फ है माँ बाप शरीर छोड़ते हैं तो बच्चे संभालते हैं। कोई भी काम होता है अच्छा या बुरा, उसका मन में फिर नहीं अच्छी बात है। जो कुछ भी होना होता है ये सरल हृदय की निशानी है। जैसे पशु पक्षी होते हैं, आंधी आने वाली होगी तो 2 घंटे पहले वो उड़ करके अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं, उनको आभास हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी दुनिया में देखा है, कोई कोई मरने वाले होते हैं तो 2-4 दिन पहले ही उनको पता लग जाता है, बोलने लग पड़ते हैं अब हम 2-4 दिन के अंदर शरीर छोड़ देंगे और छोड़ देते हैं। तो जो सरल हृदय होता है उसको आभास हो सकता है, सरल हृदय को साक्षात्कार भी हो सकता है। तो रुद्रमाला के मणकों को एक कूटनीतिज्ञ है ना, जन्म जन्मांतर के राजाएं बन के रहे ना, क्या ये पॉलिसी बहुत चलाते हैं, इसलिए उनको साक्षात्कार नहीं होते, स्वप्न भी उतने नहीं होते जितना माताओं को स्वप्न आते हैं। माताओं को साक्षात्कार होते हैं, पवित्रता जिनमें होती है उनका ही दिन साफ ज्यादा होता है। कमाई जो है कितने परसेंट की अच्छी है, जिंदा दुनिया में कमाई जो करते हैं लोग 1-4-5 कर लेते हैं और कोई 25% ले रहा है, वो तो गरीब बनता चला गया। अरे 25% तो छोड़ो, आज मकान खरीदा, आज मकान खरीदा और कल सरकार में प्लान बन गया कि यहाँ बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है या एयरपोर्ट बनने वाला है, एक दिन में उस मकान की कीमत 10 गुनी हो जाती है, उसको क्या कहेंगे? बाकी कितना कमाई करना चाहिए ये पूछना है तो बाबा ने तो बता दिया, पेट को पुरुषार्थ करने के लिए कितना चाहिए, 1/2 पाव भर आटा, 1/2 पाव भर आटे में नमक मिला के पानी मिला के रोटी बनाओ और पानी डाल करके अप्पा हप खा जाओ, सारा दिन मस्ती से याद आओ। इसके अलावा क्या चाहिए पुरुषार्थ करने के लिए? कुछ भी नहीं चाहिए, और अगर चाहिए भी तो यहाँ का यही धरा रह जाएगा, किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा था इनकम टैक्स उठा ले जाएगा या कोई भी टैक्स उठा लेगा, किसकी दबी रही धूल में, जमीन हिलेगी भूकंप आएगा पता ही नहीं लगेगा कहाँ का कहाँ चला गया, किसकी आग जलाए, आगजनी होती रहेगी, खेल खलास होता रहेगा। उन्होंने पूछा, शिव बाबा हम खाली बैठते हैं तो व्यर्थ के संकल्प चलते हैं, तो फिर क्या हम टीवी देख सकते हैं? अब बाबा ने बोला, इस दुनिया में पतन के सबसे बड़े 2 कारण पैदा हो गए कलयुग के अंत में, एक है बायोस्कोप जो आज टीवी में भी देखा जाता है फिल्म, और दूसरा है उपन्यास। ये 2 चीजें आत्मा के पतन के सबसे बड़ी कारण है।
अब कोई पूछे बैठ करके, बाबा हम खाली बैठते हैं तो व्यर्थ के संकल्प चलते हैं, तो हम क्यों ना जहाँ जुआ खेला जाता है वहां जुआ खेलने जाके। अरे जुआ खेलने में इतना पापाचारी नहीं बनेंगे, बुद्धि उतनी भ्रष्ट नहीं होगी, टीवी देखने में तो एकदम भ्रष्ट हो जाएगी, खाली बैठे। थप्पड़ मारने वाले की तो कई गुनी गलती हो गई, गाली देने वाले ने तो मुख से बोला, वाचा से, और थप्पड़ मारने वाले ने तो कर्म नाम में कर दिया। तो अज्ञानी बनना अच्छा है, उसे ज्ञानी बनाओ ना, उनकी बात ही मत करो, अज्ञानी दुनिया में ऐसे ही लड़ मर के क्या होने वाला। या तो उनको समझाओ कि देखो गाली चिपकती नहीं है, ग्लानी कर दी वो ग्लानी चिपक नहीं जाएगी, ग्लानी करने वाले ने, गाली देने वाले ने अपने मुख से गाली दी, उसका अपना मुख खराब हो रहा है, उसका फल उसको मिलेगा, हम काहे के लिए दुखी हो जाए। वो अज्ञानी का पहला है, लेकिन ज्ञानी और बीच में आ रही है ना वो बात, ज्ञानी और ऊपर चली गई वो बात। ज्ञानी तो महामूर्ख है, ज्ञानी महामूर्ख है जो दो लड़ाई लड़ने वालों के बीच में टांग अड़ा रहा। गाली को अनसुना कर दो, को ज्ञानी से नहीं देखा जाता है तभी नहीं टांग अड़ा रहा। ज्ञानी को खुद ही इतनी सहन शक्ति नहीं है वो गाली को सहन कर सके। बाबा जो बाबा का बच्चा होगा हाँ? तो वो बाबा के लिए गाली कैसे बर्दाश्त करेगा? बाबा ने बोला सुनते हुए न सुनो, ये बच्चे से बोला या बाहर वालों से बोला? किससे बोला? आप बच्चे नहीं है, बच्चे है ना, तो बच्चे के एक कान से सुनो, आ जाता है तो जानवर है या बच्चे हैं भगवान के? भगवान के बच्चे तो हैं। बाबा कहते हैं अगर गुस्सा आ जाता है तो उस समय अपने को चांडाल समझो, मेरा चांडाल का जन्म होने वाला है। क्या मेरे मुख से बाबा, मेरे मुख से एक ने बाबा को गाली दी तो मैंने कही जा तो ये 24 घंटे के अंदर तुझको इसका फल मिलेगा और उसको मिलते। हमने अपना मुंह खराब करके किसी को दुर्वासा बन के साफ दे दिया तो वाचा से विकर्म हमारा बना किसी दूसरे का बना, हमारा पाप कर्म बन गया। बाबा कहते ब्राह्मणों के वचन भी सच्चे साबित हो जाते हैं, इसलिए ब्राह्मणों को सोच समझ के बोलना चाहिए, इसमें खुश होने की बात नहीं है कि मैंने बोला और वो सच्चा हो गया, मैं बड़ा धुरंधर बाबा के बारे में मैं बर्दाश्त नहीं करता। सहन न करना ये देवताओं की निशानी है, दैत्यों की निशानी है, सहन न करना। सहन न करने वाला दैत्य बनेगा या देवता बनेगा? दैत्य बनेगा। अब बाप के लिए कोई गाली देता रहे तो बर्दाश्त करता रहे तो बाबा ने तो डायरेक्शन दे दिया, एक कान से सुनो। अरे बाबा जो कहें सो नहीं करेंगे, नहीं। ना फरमान बनना जरूरी है?
बाबा का अवज्ञाकारी बच्चा बनना तो जरूरी है। अवज्ञाकारी तो बनना ही है, लेकिन बाप को कोई अगर डाल देता है। इसीलिए तो बाबा ने कहा बूढ़े बूढ़ियों की समझ में इतनी बात बैठती नहीं है। अरे अभी तक तो बूढ़ियों के लिए बोलते थे, अब तो बूढ़ों के लिए भी बोलना पड़ता है। आत्मा तो इतनी सूक्ष्म है कि शरीर के कोई एक रूह से भी निकल जाए। शरीर में कितने बाल हैं, कितने रोए हैं, असंख्य, कहीं से भी निकल सकती है। हाँ, ये कहते हैं कि अगर उच्च कोटि की आत्मा है तो ऊपर के इंद्र में से निकलेगी, और नीच कोट की है तो निचले हिस्से से निकलेगी। ऐसे बोलते हैं, बाकी आत्मा को निकलने को क्या, कहीं से भी निकल जाए। पूछा चित्रों में ब्रह्मा बाबा को बूढ़ा और शंकर जी को जवान दिखाते, इसका क्या मतलब? अभी अभी तो बूढ़ा बूढ़ियों की बाकी हो रही है। अरे किसको ज्यादा समझ में आता है, किसको ज्यादा समझ में नहीं आता है, हैं? बूढ़े बूढ़ियों को इतना समझ में नहीं आता है। और नौजवान को जल्दी समझ में आ जाता है। इसलिए समझने की स्टेज में शंकर जी आगे निकल गए, इसलिए उनको नौजवान दिखाते हैं और ब्रह्मा को बूढ़ा दिखाते हैं। उनकी समझ में कोई बात आई ही नहीं, आखिर शिव बाबा को ही उनके मुख से बोलना पड़ता है कि तुम अपनी संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारी विद्यालय मत रखो, ये रंग रखा है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी रखो, तुमने बाप को नहीं पहचाना है, तुम अम्मा 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 चलाते रहते हो, तो भी उनकी समझ में नहीं आता। जो भाई को कितना समझा रहे हैं कि बाबा ने बोला है मान लो, मैं नहीं मान सकता, मेरे सामने कोई गाली देगा तो मैं उसे साफ दे दूंगा, वो सत्य भी हो जाएगा। अगर बाप का बच्चा होगा तो बाप की बुराई सहन नहीं करेगा। बाप की अवज्ञा करेगा, सहन नहीं करेगा। बाप की गाली देगा तो वो सहन नहीं करेगा, उसको क्रोध आ जाएगा। जैसे लक्ष्मण जी ने क्रोध आना बाप के बच्चे की निशानी है। इतनी बात नहीं आपको समझ में आती, सुनते हैं लेकिन आती है, है? तो क्रोध जो है नहीं, अरे क्रोध और आगे आ जाओ, बस 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 आप सारे सवाल सुने के बीच में, बीच में हो गया हो गया हो गया। एक बहन है मोहन गार्डन में, दुर्गा बहन, ज्ञान में बहुत तीखी है, तो जो हमारी मुरलियों की पुरानी बुक है, जो जिस टाइम पापा ने शरीर छोड़ा था उस टाइम वो सारी बुक्स वो पढ़ती है, तो तीन बार से मुझे सपना आ रहा है हर वीरवार को उस बहन को ज्ञान में निकाला जाए। कुछ पॉइंट सबने दिए लेकिन अभी हम डर के मैं से कुछ नहीं, वो पॉइंट दिए हैं, मैंने कहा पहले बाबा से पूछें जब उसको ज्ञान में निकाला जाए।
तो कोई गड़बड़ तो नहीं होगी सेंटर पर, हम लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं। आप जैसा संकल्प करेंगे वैसा ही बीज आप बो रहे हैं। आप ऐसा संकल्प क्यों कर रहे हैं, अनुमान क्यों लगा रहे हैं? अरे पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं नहीं बाबा ये बात नहीं है, बाबा ने तो डायरेक्शन मुरली में दे दिया, जो गीता पाठी ब्राह्मण है उनको जाकर के ज्ञान सुनाओ, उनकी बुद्धि में जल्दी बैठेगा। तो हमारी गीता कौन सी है? जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वेदवाणी है वो ही हमारी गीता है। गीता ज्ञानामृत नहीं है, गीता ज्ञान का सार नहीं है, लेकिन गीता ज्ञान है। तो जो ब्रह्मा कुमारियां मुरली को खूब पढ़ती हैं उनको सुनाने में हमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारा भाग्य है कि हमको ऐसे गीता पाठी ब्राह्मण मिल गए या उनके बारे में हमें पता लग गया। ऐसी आत्मा बहुत ज्ञान में तीखी जा सकती है। तो बहुत दूर की आवाज आप नहीं आती, हमारे तो कान मोबाइल सुनते सुनते खराब हो। यहाँ तक आवाज नहीं पहुंची। कबीर ने शरीर छोड़ा, तो हिंदुओं की लड़ाई हुई थी कि हम ले जाएंगे सब अपने शरीर, हिंदू मुसलमानों में लड़ाई हो गई, लेकिन उसकी जगह पे शरीर तो हवा हो गया, वहाँ तो फूल छोड़ गया था, कबीर का शरीर नहीं मिला, ऐसा कहते हैं। एक किंवदंतियां हैं कि उनके शरीर के फूल रह गए, शरीर उड़ गया। अरे कोई सच्चा भक्त होगा, उसने देखा कि हिंदू भी इनको मानते हैं और मुसलमान भी इनको बहुत मानते हैं और जरूर लड़ाई होने वाली है, हिंदू मुसलमानों में लड़ाई न हो इसलिए उसने युक्ति निकाली। युक्ति निकाल के ढेर सारे फूल लाया और वहां रख दिए और लाश उठा के इधर उधर कहीं गायब कर दी, किंवदंती बन गई। कबीर दास के फूल बन गए। हाँ जी बाबा, जट भारत के दो मतलब खंड है, एक तो दक्षिण भारत और एक उत्तरी भारत, तो क्या चैतन्य भारत के भी दो खंड है? चैतन्य भारत भी तो इस समय बना हुआ है क्या? चैतन्य भारत, चैतन्य भारत, जो भारत है जो सदैव भाव माने रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, जो सदैव ज्ञानी की रोशनी में लगा रहने वाला भारत है वो भरत का पुत्र कहा जाता है। किसका पुत्र? भरत। विश्व भरण पोषण कर जोई, उसको विष्णु भी नाम दे दिया है। तो जो विष्णु का बच्चा है भारत, ज्ञान में सदैव लगा रहता है, उसको कहते हैं नारायण। क्या? नार माने ज्ञान जल, अयन माने घर, ज्ञान ही उसका घर है। उस ज्ञान के आधार पर उस विष्णु रूप के दो रूप हैं, विराट रूप उसे कहा जाता है, उसके चार हिस्से किए गए, ये सर हो गया सतयुग, ये धड़ और बाहें हो गई द्वाप त्रेता, इसको कहेंगे स्वर्ग, और जंगाएं द्वापर, और पांव कलयुग। ये द्वापर और कलयुग में
पुरुषों में ज्यादा विराजमान होता है दुर्योधन दुशासन के रूप में या स्त्रियों में ज्यादा विराजमान होता है? है? पुरुषों में ज्यादा विराजमान होता है, इसका प्रूफ चाहिए तो पुरुषों से पूछो तुम्हारी टांगों में ज्यादा दर्द होता है या माताओं की टांगों में ज्यादा दर्द होता है? ज्यादा दर्द किसको होता है? माता को होता है। बोलते दबाता कौन है? झूठे झूठ मेरे ही झूठ सच की रखती नहीं। तो दो हिस्से हैं विष्णु विराट रूप के, सुखधाम और दुखधाम। अभी पासा पलट जाता है द्वापर कलयुग में, दक्षिण भारत में स्वर्ग हो जाता है और उत्तर भारत में नरक हो जाता। अभी उत्तर भारत में नरक है और दक्षिण भारत में देखे आओ जाके, स्टेशनों पे देखो, चाहे एयरपोर्ट में देखो, चाहे शहर में घुस के देखो, वहां जितनी सफाई और लकालक दिखाई पड़ता है वहां इतना उत्तर भारत में देखने में ही नहीं आएगा। बाबा अकाली मौत की शूटिंग यहाँ कैसे होती है? कभी देखा होगा ज्ञान में बड़े अच्छे चल रहे हैं, अचानक चलते चलते एकदम विरोधी हो जाते, बाप को भूल जाते, बाप की ग्लानी करते, जैसे बाप का बच्चा है ही नहीं। तो अकाली मौत हो गई थी, ये अकाली मौत श्रेष्ठ आत्माओं की होती है या खराब कर्म करने वालों की होती है? कोई खराब कर्म ऐसा उदय हो गया जिसके कारण वो दूसरे के प्रभाव में आत्मा आ गई और बाप की ग्लानी करने लग पड़ी, अनिश्चय बुद्धि हो गया, माने मर गया। कोई आत्मा गोली खा जाती है, हाँ गोली तो उसको अच्छा कहेंगे, कोई हाँ जहर की गोली खा ले या तमंचा की गोली खा ले, हाँ तो वो आत्महत्या करने वाली आत्मा तो भूत प्रेती भी होने में जाती है। ये आत्महत्या करना या दूसरे की हत्या करना ये अच्छी बात थोड़ी ही है। दुनिया वाले उसको अच्छा बताते हैं, बहुत अच्छी आत्मा थी क्या उसको ऐसी करने वाली आत्महत्या करने वाली। दुनिया वाले जो जो बताएंगे सो आप मान लेंगे, दुनिया वाले तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। बाबा कहते हैं एक बाप की सुनो बस। स्वर्ग होता है सतयुग त्रेता में और वैकुंठ होता है संगम युग में, ये अंतर है। जो वैकुंठ की दुनिया है वो संगम युग की दुनिया है, जहाँ स्वर्णिम संगम युग होगा वो स्वर्ग नहीं होगा जो सत्युग होगा। बाबा सत्युग में वस्त्र होंगे नहीं होंगे या नहीं, सत्युग में वस्त्र होंगे नहीं होंगे, सत्युग में देवान होगा कि नहीं? सत्युग में देवान होगा तो दीवारें बनाने की, घर बनाने की और कपड़ों से ढकने की जरूरत है? है? नहीं, तो जिसकी जरूरत ही नहीं तो वहां कपड़ों का करना क्या है?
कारपाणों की जरूरत हो तो कारखानों की भी जरूरत हो, फिर नौकर चाकर भी चाहिए। ऐसा लफड़ा वाली बात नहीं होती है। सुंदर वस्त्र होगा, शरीर रूपी वस्त्र बहुत सुंदर होगा, लेकिन कितना भी सुंदर हो तो भी देह का बांध नहीं खींचेगा। अभी तो स्त्री पुरुष का धान बांध सुंदर हो या सुंदर न हो धड़ाक से खींच लेता है। बाबा ये जो सांझ को सोते हैं सुबह को मरे पाँव, ये क्या कारण है? रात को मरे पाँव से लेते हैं सांझ को सोते हैं वे सही, और सुबह को मरे पाँव, तो ये भी क्या कारण है? अरे डॉक्टर को दिखाओ। बाबा रुद्रमाला के मणके आपस में मजबूरी से मिले हुए हैं, दिल से मिले हुए नहीं है। बाबा दिल से कब मिलेंगे? और वो समय कब आवेगा? जब विजयमाला और रुद्रमाला दोनों मिलकर के एक हो जावेंगे, अर्थात रुद्रमाला के मणके विजयमाला में ऐड हो जावेंगे, तो दोनों मिलकर के एक हो जावेंगे। बढ़िया। बाबा कहते हैं मीठा बोलो कम बोलो धीरे बोलो, लेकिन किसी में मीठापन होता है, कोई कम बोलता है, कोई बहुत धीरे धीरे बोलता है, लेकिन जोर से तो ज्यादातर लोग बोलते हैं। ऐसे क्यों बाबा? ये बात की बात है, जितने आदमी ज्यादा बैठे हो उतनी जोर से बोलो। एक आदमी से ही बातें कर रहे तो इतने धीरे बोलो कि हमारी बात सामने वाला ही सुने, दूर वाला न सुन पाए, उसको डिस्टर्ब ना हो। तो जो लोग जोर से बोलते हैं या जोर से बोलने की आदत है, इसका मतलब उनमें देवान ज्यादा है। बाबा माया नजरिया मार गई रे, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर की दाढ़ी हिलाई गई रे। बाबा प्लीज इसका अर्थ बताइए। माना माया ने सबको धराशायी कर दिया, ब्रह्मा बाबा को भी धराशायी कर दिया और विष्णु को भी धराशायी कर दिया, मार दिया, सबके ऊपर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन शंकर जी के ऊपर विजय तो प्राप्त नहीं की, लेकिन फिर भी हिला तो दिया, दाढ़ी पकड़ के हिला दिया। चलो दाढ़ी उखाड़ी तो नहीं कम किया। Thank you.
नहीं। मोहम्मद गजनबी ने मंदिर लूटा था, अगर उसको ये मालूम होता कि ये हमारे बाप का मंदिर है तो लूटता थोड़े ही। खुद ने ही क्वेश्चन कर लिया, खुद ने ही आंसर कर लिया। बाबा हम हमेशा भला सोचते हैं, भलाई करते हैं, फिर भी हमको बुराई मिलती है, ऐसा क्यों? जब ये प्रश्न आता है तो अपने से पूछो, कि हम कौन से धर्म के हैं? हिंदुस्तानी हैं या विदेशी धर्म वाले हैं? अगर विदेशी धर्म वाले हैं तो ये प्रश्न बार बार आ सकता है कि हम तो सबके साथ अच्छाई करते हैं, अच्छाई सोचते हैं, लेकिन हमको जवाब में बुराई मिलती है। क्योंकि जो विदेशी होते हैं, मुसलमान हो, पारसी हो, ईसाई हो, वो पुनर्जन्म को नहीं मानते। तो प्रश्न पूछने वाला देखे अपने अंदर कि क्या पुनर्जन्म हमको बार बार भूल जाता है? भूल जाता है तो ये प्रश्न पैदा होता है। अगर याद रहे कि हमने पुनर्जन्म लिए हुए हैं ढेर के ढेर, तो उन जन्मों में हमने दूसरों को बुराई दी होगी, दूसरों का बुरा किया होगा, तो उसका प्रतिफल हमको हिसाब किताब में मिल रहा है। हमारा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, हम हल्के हो रहे हैं, खुश होना चाहिए। वाह, बाबा हमको हल्का कर रहा है, हमारे जन्म जन्मांतर के पाप बसम हो रहे हैं, हमको धर्मराज सजा नहीं खानी पड़ेगी। धर्मराज सजाएं हम कम खाएंगे तो हमको उच्च पद मिलेगा। खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? खुश होना चाहिए। बाबा आप कहते हो कि कितना पढ़ सारा तो बोल रहे हैं कोई युगल जोड़ा होना चाहिए, और जो हमारा समाज है उसमें भी ख्वाब को मान्यता नहीं दी जाती। विधवा जो औरत होगी उसको अपने साथ से काम करते हो तो पीछे हटा देंगे, ऐसे में विधवा औरत क्या करे? गीता पाठ सुना खोल सकती है कौन? विधवा औरत। विधवा औरत अगर मेच्योर्ड है, बाल पक रहे हैं, तो भले खोले। खुद ही कन्या दिखाई पड़ती है, गीता पाठशाला खोल के बैठेगी तो कोई कटुआ उठा ले जाएगा ऐसे ही। कैसे खोल सकती है? बाबा आप बोलते हो कि भारत में भी विधवाओं की मान्यता को नहीं, तो क्यों को नहीं भारत में विधवाओं की मान्यता? इसमें भी तो आपकी गलती हो सकती है। विधवा की क्या गलती होती है? उसका युगल मर जाए, भारत में मान्यता क्यों नहीं इस बात की? पुनर्जन्म लिए कि नहीं लिए? अरे पीछे जन्म लिए कि नहीं लिए? ये है ना, है पति यहाँ मर गया, हमको विधवा बनना पड़ा, हमने इसका उल्टा भी तो किया होगा पूर्वजन्म में, तो हिसाब किताब पूरा हो रहा है। कोई बात में दुखी नहीं होना चाहिए, ड्रामा में जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। ये विदेशी संस्कृति है जो ये सिखाती है कि पति मर जाए तो फट से दूसरा कसम कर लो, इससे पेट में गंदा खून जाएगा या अच्छा खून जाएगा? खून गंदा बन जाएगा। जो बच्चों की पैदाइश होगी वो बिच्छू टिंडन की पैदाइश होगी। जिस देश में
स्त्रियां स्वच्छ रहती हैं, उस देश में धन धान्य संपन्न रहता है। जिस देश की स्त्रियां गंदी होती रहती हैं, वो देश भ्रष्ट हो जाता है, पापाचार की ओर चला जाता है। गीता में भी ये बात लिखी हुई है, स्त्रियों के प्रदूषित होने से कुल के कुल नष्ट हो जाते हैं। माताओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अगर ज्यादा मान्यता दिया जाए और ऊंचे पद पर बैठा दिया जाए तो सब देखेंगे हम भी नजदीक पहुंच जाए, हम भी नजदीक पहुंच जाए, हम भी नजदीक पहुंच जाए। ढेर के ढेर नजदीक पहुंचेंगे तो उसका सत्यानाश कर देंगे कि भला कर देंगे। तो बता दिया ना, बड़ी उम्र की माता है तो गीता पाठशाला बोले, अभी बोल दिया ना, उसको दोहराने की क्या जरूरत। बाल पक रहे हैं, आधे बाल सफेद हो गए, आधे काले हो गए, थोड़ी झुर्रियां आने लगी। मैच्योर्ड माता है, दुनिया देखी हुई है, तो वो सिखाएगी कि किसी के प्रभाव में आ जाएगी? सिखाएगी। बाबा शंकर जी ने विष क्यों पिया? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, और गणेश जी का पेट इतना मोटा क्यों है? अच्छा, शंकर जी सारे जगत के पिता हैं या 2, 4, 8, 10, 15, 20 के पिता हैं? सारे जगत के पिता हैं। घर में आग लगे और सब बच्चे डर के भागे बाहर की ओर, और कोई घर बचाने के लिए तैयार ना हो, तो बाप क्या करेगा? अगर सच्चा बाप होगा तो क्या करेगा? वो भागेगा नहीं, बचाएगा। तो ऐसे ही एक काम विकार की आग है, इस आग को शांत करने के लिए कोई तैयार ना हुआ, विषय वासना की अग्नि चारों तरफ जोर से भड़कने लगी। अब इस आग में कौन घुसे? कोई तैयार नहीं होता। सागर मंथन हुआ तो पहले पहले क्या निकला? ये हाला हाल विश्व निकला। ये ब्राह्मणों की दुनिया में एक बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह है। क्या ये काम विकार की आग, ये प्रश्न चिन्ह भगवान को भी नहीं पहचान दे देती, भगवान से भी दूर कर देता है ये प्रश्न? ब्रह्मा कुमारियां एक प्रश्न को ही लेकर के सबका माथा खराब कर देती है, उनके पास और कोई ज्ञान नहीं है। बड़े बड़े ऋषियों मुनियों ने पार्वती की तपस्या डिगाने के लिए उनको समझाया, अरे वो क्या करता है, विष पीता है। बड़े बड़े ब्रह्मा कुमार थे वो, कौन? वो ऋषि मुनि जो पार्वती से जाके ग्लानी करते थे, वो क्या करता है, आग धतूरे खाता है, विष पीता है, ये करता है, वो करता है, छोड़ा उसको। तो ये ग्लानी करना
भगवान से दूर करने वाली बातें हैं, लेकिन जो भगवान का पार्ट होता है वो इन बातों की चिंता नहीं करता। कोई ग्लानी करे या कोई मान करे अपमान करे कुछ भी करे, जो सच्चा बाप होगा वो घर में लगी हुई आग को बुझाएगा, दुनिया कुछ भी कहती रहे। इसलिए शंकर जी ने विष पी लिया। और गणेश जी का इतना पेट मोटा क्यों है? पेट बुद्धि को भी कहा जाता है। कहते तुम्हारे पेट में ये बात नहीं पचेगी, औरतों के पेट में बात पचती नहीं है, तो क्या इस पेट की बात है या इस पेट की बात है? ये बुद्धि भी पेट कहा जाता है। बुद्ध रूपी हाथ भी है, बुद्ध रूपी पेट भी है, बुद्ध रूपी पांव भी है। तो गणेश जी का कोई स्थूल पेट बड़ा नहीं था। गणेश जी मनुष्य की औलाद थे, देवता की औलाद थे या भगवान की औलाद थे? गणेश जी को बनाया किसने? पार्वती ने बनाया, और बनाया भी काई चीज से, मिट्टी नहीं। दे अभिमान के किसने के बाद जो मिट्टी निकली, गंध निकली, उस दे अभिमान की गंध से गणेश जी को बनाया। जितने भी भारतीय धर्म हैं, ये सब गणेश हैं, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे संन्यास धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो। ज्ञानी भी बहुत हैं, इनके बुद्धि में बहुत ज्ञान भरा हुआ है शास्त्रों का, इसलिए बुद्ध रूपी पेट बहुत बड़ा दिखाई देता है। सही सही लिखते हैं। छोटा लिखो तो जरा जल्दी जवाब मिले, लंबा चौड़ा पढ़ना। बाबा आप कहते हो ड्रामा अनुसार है, वही होगा। क्या कोई पुरुषार्थ ज्यादा करना चाहे तो नहीं कर सकता? अब क्या कुछ भी होने चेंज होने वाला नहीं है? चेंज करेंगे तो चेंज होगा। संगम युग बाबा ने बोला है, असंभव को भी संभव करने का युग है, तो क्या नहीं हो सकता है? कमाई जमा करने का है, संगम युग कमाई जमा करने का, जमा करने का, और घाटा भी करते हैं। ऐसे नहीं समझ के बैठ जाना है कि ड्रामा में जो होगा सो ही हो जाएगा। ड्रामा में उतना ही होगा जितना हमारे जीवन में हमने देख लिया है, वो ही रिपीट होगा, बाकी तो सब चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है आगे पीछे।
त्रासी जन्म का जब हमको पता ही नहीं है तो हम ये कैसे मान लें कि चेंज नहीं हो सकता, अच्छे से अच्छा हो सकता है। बच्चे शरारत करते हैं तो सब डिस्टर्ब होने लगते हैं, हमारे सामने बैठे हुए बच्चे शरारत नहीं कर रहे हैं। अच्छा, बच्चे शरारत करते हैं तो सब डिस्टर्ब होते हैं, तो बाबा ये तो बच्चा बुद्धि समझ लेते हैं कि बच्चे हैं, कोई बात नहीं। परंतु ये कन्याएं जब आप मुरली सुनाते हो तो बहुत बातें करती हैं, बहुत आपस में हंसती रहती हैं, बोलने से रुकती ही नहीं है, तो सब लोग डिस्टर्ब होते हैं आसपास वाले। अब कन्याएं तो माताओं के घर में भी होती हैं, पिताओं के घर में भी होती हैं, बाबा के घर में भी है। अच्छा पार्ट बजाने वाले भी होते हैं, समझदार भी होते हैं और ना समझदार भी होते हैं। जहां तक हो सके उनको चेंज करो, नहीं तो बाबा ने तो बता दिया बरुआ भाव हम बरुआ से का कोई प्रश्न नहीं है। बाबा क्षमा चाहती हूँ कि मुझे जाना पड़ेगा, हो गया। ओम शांति है आप तो ओम शांति हो गई, उसने हाथ में दिया ही नहीं।